हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास टेंथ आर डी शर्मा की बुक से सम सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है, इसकी हम दो जीरो समय गिवन है अल्फा एंड बीटा। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है, ठीक है, उसकी दो जीरो गिवन है अल्फा है बीटा, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी एफ एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक गिवन है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे थोड़ा रीअरेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इसका ले लेंगे नीचे वाले का एलसीएम। एलसीएम क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा इंटू बीटा बीटा का स्क्वेयर, ठीक है। एंड ये हमारे पास एक वैल्यू है, तो हमने अब क्या करेंगे, यहां से देखिए आपको पता कि सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है, सम ऑफ जीरो होता है मेरे पास सम ऑफ जीरो ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। ये वाला होता है ए, दिस वन इज एक्स स्क्वेयर के सामने वाला ए होता है, इसके सामने वाला बी होता है, सी के तरह ये वाला सी है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू क्या है, सिक्स, बी की क्या है, वन, सी क्या है, माइनस टू, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो पता करने के कितना आएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है, वन, ए की वैल्यू क्या है, सिक्स, तो क्या आएगी, माइनस वन अपॉन सिक्स, ठीक है। अभी दूसरा क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, सी पॉन ए होता है, ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सी कितना हमारा, माइनस टू, ए कितना हमारा, अपॉन ए कितना, सिक्स, तो बंदर याद है माइनस वन अपॉन थ्री। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, अल्फा प्लस बीटा की आ गई माइनस वन अपॉन सिक्स, अल्फा इंटू बीटा की आएगी माइनस वन पॉइंट थ्री। तो इसे रेज कर लेते हैं, ठीक है, ए कितना है, सिक्स है, एक्स स्क्वायर के सामने वाला ए, एक्स के सामने वाला बी, बी कितना वन है, सी कितना है, माइनस टू। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अल्फा पॉइंट बीटा प्लस बीटा पॉइंट अल्फा, तो इस कैल्शियम ले लेंगे, क्या आ जाए, अल्फा इंटू बीटा एल्शियम आ जाए। यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वेयर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, आप क्या कीजिए, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐसे इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं पता, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको एक स्टेप याद करना होगा, टू टाइम्स अल्फा बीटा ऐड कर दीजिए, टू टाइम अल्फा बीटा माइनस कर दीजिए, ठीक है, टू टाइम्स अल्फा बीटा प्लस कर दिया, टू टाइम्स माइनस कर, टू टाइम्स अल्फा बीटा, कॉस हम इसको ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे, इसके इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का, क्या होता है, अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, वो वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस का टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कितनी है, माइनस वन अपॉन सिक्स, तो यहाँ पे माइनस वन अपॉन सिक्स का होल स्क्वेयर हो गया, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा की माइनस वन अपॉन थ्री डिवाइड बाय अल्फा बीटा की कितनी है, माइनस वन पॉइंट थ्री, ठीक है।
तो हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1.6। देखिए -1.6 का स्क्वायर है तो ये कितना आएगा, 1.36। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3 डिवाइड बाय -1.3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, हम क्या करेंगे, 36 एंड 3 का लेंगे एलसीएम, 36 आ गया एलसीएम 36। आपको ये थोड़ा सा करने में, देखिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल मेथड से बताएंगे, 36 के टेबल पे 36 कितने पे आता है, 1 पे आता है। 36 के टेबल पे 36 कितने पे आता है, 1। 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले के साथ, 1 × 1 1। ठीक है, प्लस दूसरा क्या है, यहाँ पे 3 है, नीचे वाले को देखना है 3 के टेबल पे 36 के कितने पे आता है, तो ये तो आता है 12 पे आता है, 3 के टेबल पे 36 कितने पे आता है, 12 पे। 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले के साथ, 12 × 2 = 24, यहाँ पे आएगा 24 डिवाइड बाय ये क्या है, -1/3। ठीक है, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, 24 + 1 = 25 डिवाइड बाय 36। ये नीचे पड़ा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यह आएगा 3/1। ये मैंने साथ में लगाना मत भूलिएगा, 3/1 का 3 यहाँ पे आएगा 12। तो इसे 3/1 का 3 12 × 3 = 36। तो कितनी वैल्यू होगी, ये मैंने साथ में आ गया 25/12, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।